इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी जीडी के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा, एसएससी के द्वारा जीडी की भर्ती कराई जा रही है। लगभग 50,000 पोस्ट का ये वैकेंसी चल रहा है, एग्ज़ाम हो चुका है, अब रनिंग के समय आ चुका है। इस मंथ में आपका रनिंग होने वाला है, रनिंग के बाद आपका मेडिकल्स होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको रनिंग के बारे में कुछ टिप्स देने वाला हूँ और फुल मेडिकल्स का बताने वाला हूँ कि आपको एसएससी जीडी में किस क्षेत्र में आपका मेडिकल में फेस करना पड़ेगा, किस में मेडिकल में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, किस में नहीं हो सकता। आप खुद फाइंड करके जाओगे एसएससी जीडी के वैकेंसी इस मेडिकल्स देने से पहले। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अराउंड सेंट्रल फोर्सेस है ये, आपको भारत में कहीं भी ज्वाइन कर सकता है, कहीं भी ड्यूटी करना होगा। बहुत बड़ा फोर्स है ये, इसका पूरा मतलब है एसएससी स्टाफ सेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी। ये आपको कॉन्स्टेबल का पोस्ट देता है और आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। ये अराउंड 50,000 का वैकेंसी इस बार क्लियर किया गया है, रिवाइज किया गया है। पहले कम था, 45,000 कुछ था, बाद में 50,000 कर दिया गया है। एग्जामिनेशन हो चुका है। तो रहा रनिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं और मेडिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखोगे, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपको नौकरी करना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे। मेरा नाम है सुधीर कुमार सिंह और मैं आपको एसएससी जीडी में फुल डिटेल्स गाइडलाइंस करने वाला हूँ आपके नौकरी तक हो जाने तक। तो स्टार्टिंग करते हैं दौड़ से। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इसमें 5 किलोमीटर्स की रनिंग होने वाली है और बहुत ईजी होने वाला है। 5 किलोमीटर का जो रनिंग होता है वो इतना ईजी होता है कि मैं अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, अगर आप रेगुलर हो रनिंग में, तो आप इस दौड़ को बहुत आसानी से क्लियर कर लोगे। मैं भी एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप किया था 2014 में, मेरी नौकरी भी हुई थी। उसमें मैंने जो तैयारी की थी अपने होम ग्राउंड में, मैंने 22 मिनट्स में मैंने अपना रनिंग प्रैक्टिस करके गया था। 21 मिनट्स में मैं रनिंग कर लेता था अपने होम ग्राउंड में। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था इसका और ये मैं शूज़ पहन के दौड़ता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मैं बहुत अच्छा टिप्स देने वाला, वीडियो को क्लियर देखोगे, अच्छे से देखोगे। तो मैं शूज़ पहन के अपना दौड़ता था होम ग्राउंड में। तो मेरा टारगेट था 5 किलोमीटर्स मैं नहीं दौड़ता था, टोटल मैं 7 किलोमीटर्स में रनिंग करता था, जिससे मुझे वहाँ पर कभी भी दौड़ में फेल होने का सोचना भी नहीं पड़े। तो मैं शूज़ में पहन के दौड़ता था। तो 21-22 मिनट्स का समय मैं लेता था। तो होता वहाँ मैं क्या था कि मैं दो लोग तीन लोग मेरे दोस्त दौड़ते थे, लेकिन एग्जामिनेशन आपको रनिंग में आपको कम से कम 500 लड़के 700 लड़के का बीच दौड़ना होगा, तो वहाँ आपको दिक्कत होगा। तो आप अगर होम ग्राउंड में 22 मिनट में आप रनिंग कर रहे हो तो हो सके वहाँ आपको 23 मिनट लगे, या हो सके आपको कम भी लगे, ये भी हो सकता है। वहाँ जोश आ जाता है, आपकी नौकरी की सवाल हो जाता है। तो आप क्या करोगे, दौड़ने से पहले आप कोशिश करो कि आप 20 मिनिमम, अगर आप दौड़ में आपका दौड़ अच्छा नहीं है तो कम से कम 23 मिनट में अपना दौड़ बना लो अपने होम ग्राउंड में। कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप दौड़ निकालोगे 23 मिनट का, वो भी शूज़ पहन के आप दौड़ोगे। दौड़ लिए 23 मिनट का अगर आप दौड़ का टाइमिंग कर लिए तो आप उसमें वहाँ जाके आपको पास होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब 98% चांस है कि आप जीत जाओगे, सॉरी मतलब 98% चांस है कि आप उसमें पास कर जाओगे। उसका भी मैं टिप्स बताऊँगा कैसे करोगे। और दौड़ने से पहले, दौड़ना अब तो समय नहीं है, अगर लड़के जो भी दौड़ स्टार्ट कर रहे हैं तो दौड़ जल्दी स्टार्ट कर दे। शुरू में कम दौड़े, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दौड़े, फिर रनिंग को बढ़ाएं और कम से कम 5 से 6 किलोमीटर दौड़ने का प्रैक्टिस आप बना कर जाएं। तो जब आप अपना प्रैक्टिस कर लोगे तो होम ग्राउंड जब आप पास कर जाओगे अपने ग्राउंड में, जब टेस्ट देने जाओगे तो टेस्ट देने से पहले ना, अगर आपका मेडिकल्स सॉरी एग्जामिनेशन, अगर आपका पेट का एडमिट कार्ड आ जाता है और आपका दौड़ आपके होम डिस्ट्रिक्ट होम स्टेट में देता है या हल्का ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप कम से कम कुछ दिन पहले जाकर उस ग्राउंड को आप देख कर आ जाओ कि वो कौन सा ग्राउंड है और वह ट्रैक क्या है, रोड है, ग्राउंड है, क्या ट्रैक है। तो ट्रैक आप देख कर आ जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो कोशिश करो कि आप अपने रनिंग डेट से पहले उस ग्राउंड को आप एक बार देख कर आ जाओ कि वहाँ क्या स्टेटस है, कैसे दौड़ना है। अगर आपको 2.5 किलोमीटर जाना है, 2.5 किलोमीटर आना है, अगर ऐसा आपको ट्रैक मिलता है तो ईजी होता है। उसके लिए आप क्या करोगे, आप स्टॉप वॉच अपने घड़ी रख लोगे, जैसे ही आपको वेसल दिया जाएगा दौड़ने का तब आप अपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दोगे। आप 2.5 किलोमीटर, पहला 2.5 किलोमीटर कोशिश करोगे 11 मिनट में आप पार कर जाओ वहाँ पर। वहाँ से जब लौटोगे तो आपके पास 13 मिनट का समय बचेगा, उस 13 मिनट में आपको पहुँचना है। तो देखना उसमें क्या फ़ायदा क्या है ना, कि आप जब 11 मिनट में आप पहुँच जाते हो, पहला 11 या 13 उल्टा करना, शायद अगर आप 13 मिनट पहुँच जाते हो तब आपको बाकी 11 मिनट में आपको वहाँ पहुँचना है। तो उसमें क्या होता है ना कि आपको दिखता है कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, तो उससे आपको बहुत जोश मिलता है और आप टाइम भी देख रहे हो कि मैं वहाँ बस मुझे पहुँचना है, मेरे पास 2 मिनट समय है। तो आप पूरा फुल फोर्स से दौड़ोगे, एकदम इतना नहीं कि मैं लास्ट स्टेप है वो, मैंने ये लास्ट करेंगे ये सोच के दौड़ जाना, एकदम जी जान लगा देना और वहाँ जाकर गिर जाना है, दौड़ जाना। अगर आपका
दौड़ अच्छा नहीं है, तो अगर जिसका दौड़ अच्छा है तो उसको तो ऐसे ही वो पास चल जाएगा, उसको तो दिक्कत ही नहीं है। तो जिसका दौड़ अच्छा नहीं उसके मैं बता रहा हूँ, पहला जाएंगे और किसी को ग्राउंड रनिंग का आता है कि 5 चक्कर करना है, तो वो अपनी ग्राउंड देख के आएगा, पहला चक्कर वो कोशिश करेगा, आप 24 मिनट्स को डिवाइड कर दो 5 चक्कर में, जो भी मिनट आपको आएगा उसमें आपको पहला मिनट पहला चक्कर कंप्लीट कर लेना है। और याद रखने के लिए क्या होता है ना, बहुत से लोग दौड़ते दौड़ते ना भूल जाते कि मेरा 5वां चक्कर है, तो आप क्या करोगे ना, कम से कम 5 छोटा सा पत्थर स्टोन या कुछ भी आप हाथ में 5 रख लोगे, रख के इस हाथ में 5 थोड़ा पत्थर रख रहना, जो भी रखना छोटा छोटा, बड़ा बड़ा नहीं, एकदम छोटे छोटे रख लेना, और इस हाथ में घड़ी पहने रहना। जब पहला चक्कर जाओगे तो एक स्टोन या कुछ भी हाथ में रखोगे उसको गिरा देना, कहीं भी दूर थोड़ा, ग्राउंड में नहीं। दूसरा दौड़ने लगोगे तो वो भी गिरा देना, 2 हुआ। तीसरा दौड़ोगे तीसरा गिरा देना, चौथा दौड़ोगे चौथा गिरा देना, 5 नहीं रहना 4 ही रखना आप, मतलब आपका हाथ खाली, मतलब ये लास्ट लैप है मेरा, 4 रखना, 4 को फेंक देना, हाथ खाली, लास्ट लैप। तो लास्ट लैप को आप पूरे जी जान से दौड़ जाना, घड़ी पहनना और हाथ में 4 कुछ रखना, कुछ भी जो आपको आसान हो दौड़ने में, वो फेंकते फेंकते समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये है दौड़ने का प्रैक्टिस, मतलब एक टिप्स है मैं आपको दे रहा हूँ, इससे आप बहुत अच्छा अच्छे से क्लियर करके पास कर जाओगे। अगर इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि ग्राउंड आपको मिलने वाला है 5 नहीं तो 6, नहीं तो आपको 2.5 किलोमीटर का ज़्यादा चांसेस आपको लैप मिलने वाला है। कहीं कहीं मेरू कैंप में मैं दौड़ा हूँ, वहाँ पे क्या रोड में दौड़ाते हैं गोल गोल ऐसे करके ले आते हैं, मतलब निकालते हैं ऐसे मेरू कैंप में और लेके आ जाते हैं, तो उसमें आपका काम नहीं करेगा, उसमें आपको ना लैप मिलेगा ना ही आना जाना। बोकारो में होगा तो आपको आना जाना करेगा, चाहे आपको बिहार में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो अगर आपको कहीं एक ग्राउंड डायरेक्ट स्टार्ट से एंड करना है तो उसमें आप अपना गाड़ी रखना स्टॉप वॉच और देखते रहना कि मैं कितना किलोमीटर दौड़ चुका हूँ। थोड़ा जज करना होगा कि मेरा घर का टाइमिंग और यहाँ का टाइमिंग मैच क्या कर रहा है। तो ये आपका मैं थोड़ा टिप्स बता दिया, दौड़ आप प्रैक्टिस करोगे। और बताता हूँ एक बात, जो आप 5 किलोमीटर रनिंग करोगे तो उसमें आपको वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, दौड़ने के समय आपको पानी दिया जाएगा, तो ज़्यादा पानी पी के दौड़ना स्टार्ट नहीं करना है। वहाँ आपको रास्ते में कहीं कहीं आपके सिपाही लोग खड़े रहेंगे आपको पानी पिलाने के लिए, आप पानी लेके पी के भी दौड़ सकते हो, दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा गर्मी भी मई के महीने में गर्मी तो आएगा लेकिन दिक्कत नहीं होगा, दौड़ अच्छा हो जाएगा। और एक लास्ट दौड़ में टिप्स है, अगर आप दौड़ने से पहले पैर में जूता पहन के दौड़ते हो तो शूज को खोल देना, उससे क्या होता है आपका टाइमिंग बढ़ जाता है। अगर आप शूज खोलोगे तो आपको कम से कम 1 से 2 मिनट आपको समय मिल जाएगा स्पीड दौड़ने का, 2 मिनट समय मिलेगा, 2 मिनट बहुत होता है, आप अच्छा हो जाएगा, इंक्लेट पहन लेना पैर में और आप दौड़ निकाल लोगे। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन वीडियो को आप स्किप नहीं करोगे, फुल लेंथ वीडियो देखोगे, इसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अब रहा दौड़, अगर दौड़ आप पास कर जाते हो तो आपको मेडिकल्स में जाना होगा, मेडिकल्स का बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, इसमें मैं आपको शॉर्ट बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा फुल मेडिकल्स के बारे में क्लियर करूँगा। अगर मैं मेडिकल्स बताते चलूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट्स मेडिकल्स के बारे में बताऊँगा जो आपको मेडिकल्स में फेस करना पड़ेगा। सबसे पहला मेडिकल्स मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होना चाहिए, आपका आँख सही होना चाहिए, बिना आँख का आप CPO में या सेंट्रल फोर्सेस में नौकरी नहीं कर सकते। आँख में आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, कलर पहचान होना चाहिए, निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए, फेस का बात कर रहा हूँ, ये आपको नहीं होना चाहिए। दांत में आपका 28 मिनिमम टेथ होना चाहिए, नकली दांत आप नहीं रखना। कान आपका पर्दा फटा नहीं होना चाहिए, आपको सुनना में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाक में साइनस की बीमारी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फूल जाता है, सांस की बीमारी नहीं होनी चाहिए, नाक से आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 3 इम्पॉर्टेंट है, आँख नाक और कान, और मुँह का ही बता दिया मैं आपको, ये हुआ। उसके बाद सेकेंड क्या आता है आपका, हाथ में, हाथ में आपको 10 उंगली मस्ट है। उसके बाद आपको कैरिंग एंगल, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट में आपको ये गैप यहाँ होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुआ। उसके बाद आपका, अगर आप मेल हो तो आपको हाइड्रोसिल में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हाइड्रोसिल बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा नहीं होना चाहिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हाइड्रोसिल इंपॉर्टेंट होता है। और आपको पाइल्स की बीमारी नहीं होनी चाहिए, ओवरवेट आप नहीं होना, अगर आप आपके हाइट के हिसाब से ओवर वेट का पूरा क्राइटेरिया बनाया गया है, ओवर वेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत से लोग मोटे हो जाते हैं उनको ओवर वेट में छान दिया जाता है, तो वेट भी आपका फैक्टर है, वेट भी चेक किया जाता है, पाइल्स नहीं होना चाहिए। पैर में आपको फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट चेक किया जाता है। फिर आपका घुटना, घुटना नहीं सटना चाहिए, दोनों घुटना में गैप होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये सारा मेडिकल्स आपको चेक होगा, और आपका बीपी का बीमारी नहीं होना चाहिए और एचआईवी बीमारी नहीं होना चाहिए, सब चेक होता है। एचआईवी बीमारी से आपको छांटा नहीं जाएगा, लेकिन वो चेक होता है। तो ये जो मेन मेन इंपॉर्टेंट्स मेडिकल्स होते हैं जो आपको देना होगा मेडिकल्स में, अगर ये मेडिकल्स में अगर आप पास कर जाते हो तो आप एसएससी जीडी में ज्वाइन कर जाओगे। तो कोशिश करना है कि मेडिकल्स तक चले जाओ, नौकरी होना ना होना वो अलग बात है, दौड़ निकालो, प्रैक्टिस करो कि आपकी दौड़ जल्द से जल्द निकल जाए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेडिकल्स पे पूरा फुल लेंथ मेडिकल्स पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।